आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एकदम फटाफट बनने वाला केक, जिसमें कि ना गैस की जरूरत है ना ओटीजी की जरूरत है। आप घर में रखी हुई चीजों से बना सकती हैं और बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं इस केक को। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। हमने एक पैकेट मारी बिस्किट ले लिया है, जो कि सभी के घरों में रहता है, और ये 3 से 4 चम्मच बटर है, बटर पिघला हुआ है, और ये शक्कर है पिसी हुई, और ये हमने लिया है एक पैकेट कॉफी का, नेस्ले कॉफी जो बाजार में मिल जाता है और शायद सभी के घरों में रहता है, और ये कोको पाउडर है, ये भी बाजार में मिल जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा डिब्बा लीजिए, इसका छोटा पैकेट भी आता है। तो एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ये कोको पाउडर, और इसी में डालेंगे हम 3 चम्मच ये पिसी हुई शक्कर। अब ये जो हमने बटर लिया हुआ है, सारी बटर को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे सबको। इसमें बटर थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम थोड़ा बटर इसमें और डाल दे रहे हैं। इसे हमें लिक्विड बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये देखिए, तो आप बटर अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर कम रहेगा तो ये बहुत सूखा सूखा हो जाएगा, तो बनाने में सही नहीं बनेगा। तो ये देखिए, हम इसमें हमने करीब 6 से 7 चम्मच बटर डाला है। अगर आपका बटर ज्यादा हो जाए तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे तो सेट हो जाएगा। और शक्कर आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको शक्कर और ज्यादा मीठा खाना हो तो आप शक्कर इसमें और डाल लीजिएगा। ये हमने सारी चीजें मिला दिया है, तो ये देखिए इस तरह से हमें इतना पतला रखना है। ये देखिए, अब हम इस तरह से एक कटोरी ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉफी और 2 चम्मच पानी और मिला देंगे। साइड में रखते हैं। हमने एक प्लेट ले लिया है, अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। और ये हमने एक नाइफ ले लिया है, जिससे कि हम घरों में ब्रेड में बटर लगाते हैं, तो ये ज्यादातर घरों में रहता है, इसी से हम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। लेकिन आप अगर चम्मच से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चम्मच से भी हो जाएगा। तो जैसे हम केक में लगाते हैं इस तरह से थोड़ा सा यहाँ लगाएंगे। अब हम ये लेंगे बिस्किट, और ये जो हमने कॉफी का घोल बनाया है इसमें हम डिप करेंगे इस तरह से डिप करेंगे, और फिर इसको हम इस पे रखेंगे और इसको हम इस पे लगाएंगे इस तरह से। अब इसी तरह से हम ये दूसरा लेंगे, इसको भी डिप करेंगे इसमें इस तरह से, और इसको लगा देंगे। ये हमने अच्छे से लगा दिया। अब हमें जिस तरह से केक की हम आइसिंग करते हैं, चारों तरफ से पैक करते हैं, उसी तरीके से हमें इसे भी पैक करना है। ये देखिए, ये चारों तरफ से
अच्छे से पैक हो गया है। इस समय गर्मी का महीना है इसलिए थोड़ा सा लिक्विड हो रहा है। अब इसको हम 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो रखे हुए आधा घंटा हो गया है, इसको हमने फ्रीजर में रखा था, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा केक बना है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और ये जो हमने केक बनाया है इसको ले लेंगे और एक चाकू ले लेंगे और इसको हम काटेंगे। आप किसी भी आकार में काट सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है, गोल भी काट सकती हैं, इस तरह से भी काट सकती हैं। ये देखिए तो ये देखिए कितना बढ़िया केक हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। बच्चे तो बहुत पसंद करेंगे इसकी डिजाइन देखकर, बच्चे दौड़ पड़ेंगे खाने के लिए। तो चलिए आप लोग भी ये फटाफट इसको बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बच्चे खुश हो जाएंगे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।